सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही धाकड़ जस्सी हो गई सुषमा स्वराज की बेटी की टक्कर। बांसुरी स्वराज ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भड़क गए। मणिपुर मामले की खुद सीजीआई चंद्रचूड़ सुनवाई कर रहे थे, दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे। अगले कुछ मिनट में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं था। इसी दौरान सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने दलील पेश की। इससे पहले बांसुरी अपनी बात पूरी करती, उससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ गुस्से से लाल हो गए। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी जज को इतना गुस्सा आता है। सीजीआई चंद्रचूड़ को बहुत शांत स्वभाव वाले और कड़क फैसले लेने वाले जजों में गिना जाता है। इसलिए बांसुरी स्वराज और जस्टिस चंद्रचूड़ के बीच जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मणिपुर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ ये कहानी बाहर तक नहीं आई, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ और बांसुरी स्वराज के बीच कोर्ट में क्या हुआ पूरी कहानी इस दो मिनट के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर को लेकर सुनवाई चल रही थी, केंद्र और राज्य सरकार को दोषी ठहराया जा रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी बात कर रहे थे और बहस बढ़ती गई। कुछ देर बाद एंट्री हुई सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की। बांसुरी स्वराज दिल्ली और बंगाल के एनजीओ की तरफ से बहस कर रही थी। बांसुरी भी तेज तरार वकीलों में गिनी जाती हैं और कई बड़े हाई प्रोफाइल केस लड़ चुकी हैं। इनके पिता सुराज कौशल भी सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील रह चुके हैं। मणिपुर पर बहस करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने दलील पेश करते हुए बांसुरी स्वराज ने कहा, पश्चिम बंगाल में भी हिंसा के 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बांसुरी स्वराज ने आगे कहा, ये अदालत जिस तरह से मणिपुर की जांच करना चाहती है ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल में भी जांच करनी चाहिए। बस इतना सुनते ही सीजीआई चंद्रचूड़ बांसुरी स्वराज पर भड़क गए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, इस बात का हवाला देकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि देश के बाकी राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल या फिर किसी दूसरे सूबे में हुई वारदात को इससे नहीं जोड़ सकते हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। इसके बाद सीजीआई ने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है कि दो चश्मदीद गवाहों की हत्या कर दी गई है। ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया में, पब्लिक को भी पता है, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी कैसे नहीं है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पीड़ितों के बयान है कि पुलिस ने उन्हें भीड़ को सौंप दिया, ये काफी भयावह है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी की दिग्गज नेता रही पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने इसी साल मार्च महीने में राजनीति में एंट्री ली है। भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को प्रदेश बीजेपी में लीगल सेल का सह संयोजक नियुक्त किया है। बांसुरी स्वराज बीजेपी से कई सालों से जुड़ी रही है, लेकिन अब संगठन के लिए भी काम कर रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बांसुरी मोदी सरकार की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही थी। बांसुरी स्वराज के पीएम मोदी और अमित शाह से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बांसुरी स्वराज की गिनती देश की धाकड़ महिला वकीलों में होती है। आने वाले वक्त में बीजेपी में अपनी मां की जगह भी ले सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ और बांसुरी स्वराज के बीच जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं कि आखिर 3 महीने बीत जाने के बाद भी मणिपुर के हालात ऐसे क्यों हैं? वैसे क्या आपको भी लगता है कि मणिपुर मामले में केंद्र सरकार ने गलती कर दी, और जिस तरह के हालात हैं मोदी शाह को अब क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। नियो टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।